फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 26 के बारे में, जिसके एक्सर 26A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन कंडीशन क्या है। गिवन आपको कि शो दैट 4, 2, 4 एंड 10, 2, -4 और 10, 2, -2। ठीक है, आर वर्टिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ये जो पॉइंट आपको गिवन है, ये जो वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट है। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए ये ट्राइंगल आपको गिवन है, इसकी वर्टेक्स पॉइंट ए इक्वल टू 4, 2, 4 और बी इक्वल टू 10, 2, -2 और सी इक्वल टू 2, 0 और -4। इन वर्टेक्स पॉइंट को आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यदि मैं इस ए बी साइड को फाइंड आउट कर लूं और इस बी सी साइड को फाइंड आउट कर ले और इस ए सी साइड को फाइंड आउट कर ले, तीनों साइड की वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो, वो ट्राइंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई करूं तो देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इसकी मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें सारी वैल्यू पुट कर दूं, इन दोनों पॉइंट को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, यानी ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ ध्यान से देखना, 4 x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, यानी इन दोनों पॉइंट को लें तो x1 x2, y1 y2, z1 z2। तो 4 - 10 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर 2 - 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर 4 - 4 - -2 तो -2 का होल स्क्वायर। तो AB की जो वैल्यू आपकी होगी यहां से कि रूट ऑफ 4 - 10 कितना -6, -6 का स्क्वायर कितना 36 और ये आपका 0 का होल स्क्वायर 0, 4 + 2 कितना, ये भी 36, ठीक है ना, कि 4 + 2 6 का होल स्क्वायर कितना आपका 36। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 72, ठीक है ना, इतना ही काफी है आपको, तो इक्वल बनाना है बस ओनली। फिर मैं BC को फाइंड आउट करूं तो BC इक्वल टू रूट ऑफ इन दोनों पॉइंट, ये x1 है और ये x2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर। अब ये z1 है और ये z2 है, -2 और -4, तो -2 - -4 है तो +4 का होल स्क्वायर। यहां से मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 10 - 2 कितना आपका 8, इस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 8 का होल स्क्वायर कितना 64, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 - 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, लिख सकते हैं। और यहां से इस पूरे को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 72, ये आपका बीसी, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। ऐसे में एसी को भी फाइंड आउट करूं, साइड एसी को अपन फाइंड आउट करें तो रूट, अब यहां पे ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये x2 है, z1 है और ये z2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - ये -4 है तो -, और ये -, +4 का होल स्क्वायर।
इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 प्लस 4 कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये वैल्यू कितनी 72, ये एसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड लिख सकते हैं। तीनों इक्वेशन से लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन तीनों इक्वेशन से ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी ये जो वर्टेक्स पॉइंट है वो किसके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये लीजिए भाई, ये अपन इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए। आपको गिवन है कि शो दैट द पॉइंट 1, -1, 3, 2, -4, 5 एंड 5, -13, 11 आर कोलिनियर। ये क्या आपके कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं इसको ए ले लेता हूं, ये आपका बी पॉइंट हो गया और ये सी ले लो। कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, जब ये तीनों पॉइंट ए की लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा और एक पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट अभी तक पुट नहीं कर रहा हूं, क्यों, कि मुझे ये निकालना है कि ये जो बीच में पॉइंट होगा कौन सा, ये आपको नहीं पता अभी तक। बस आपको तो ये करना है कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इस टोटल का सम इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना, ये निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले को मैं पुट कर देता हूं। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। वैल्यू फाइंड आउट करूं, सबसे पहले ये ab फाइंड आउट कर लो, तो ab इक्वल टू रूट ऑफ 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 और ये माइनस, ठीक है ना, ये x1 की वैल्यू है, ठीक है ना, ये मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर, देखो ये x1 ये x2 y1 y2 z1 z2, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो +4 का होल स्क्वायर, फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ab इक्वल टू रूट ऑफ 1 - 2 कितना -1 का होल स्क्वायर, फिर 4 - 1 कितना 3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 कितना -2 का होल स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं ab इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी रूट ऑफ 14 यूनिट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे bc फाइंड आउट कर लीजिए, तो bc देखो bc इक्वल टू रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ये है। अब ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 ये z1 ये आपका z2, ठीक है ना। तो देखो 2 - 5 का होल स्क्वायर, फिर -4 - 13 है तो प्लस का 13 का होल स्क्वायर, फिर 5
माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो रूट ऑफ 2 माइनस 5 कितना, माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना 13 माइनस 4 कितना 9 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 11 कितना माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ 9, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 का 81 और माइनस 6 का 36, ठीक है। और यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं। देखो ये जो वैल्यू आपकी है इनको ऐड कर दूं तो ये 90 और 90 और 30 120 126, कितनी वैल्यू आ गई 126 वैल्यू आ गई। अब इसकी प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करें अपन इसको, तो प्राइम फैक्टर कितना आएगा, ठीक है ना। देखो भाई प्राइम फैक्टर, इसको मैं प्राइम फैक्टर 126, 2 ये 6 3, फिर आपका 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 1, फिर 3 आ जाएगा, ये 7, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 7, तो यहां से 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ये दो दो 3 है ना, यहां से आपके बाहर आ जाएंगे। यानी इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को लिख सकता हूं 9 × 14 लिख सकता हूं, और इस पूरे में से 9 को मैं बाहर निकालूं तो 3√14 यूनिट के अंदर आ जाएगा ये वैल्यू, ये आपकी बीसी की वैल्यू आ जाएगी यहां से। और इसी को मैं इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूं। ऐसे में एसी फाइंड आउट करूं तो एसी इक्वल टू रूट ऑफ, अब ये एसी के लिए ये एक्स वन ये एक्स टू ये वाई वन ये वाई टू ये जेड वन और ये जेड टू, ठीक है ना। तो वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 और माइनस, और ये आपका माइनस और माइनस, प्लस 13 का होल स्क्वायर, फिर ये वैल्यू आपकी 3 और माइनस 11 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। तो एसी की जो वैल्यू आपकी होगी, एसी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 5 कितना माइनस 4 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 1 कितना 12 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 11 कितना माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो एसी इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16, 12 का 144 और इसका 64, ये लीजिए। यहां से वैल्यू देखो एसी की कितनी वैल्यू आई कि रूट ऑफ ये और ये मिलके कितना 70 और 70 80 और 80 और 140 220 और 224 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। देख लो चेक करो, ये आपका 10, ये 14 का 4 6 और 10 और 11 और एक 12 का 2 और फिर 2 और ये 2, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं अपन इसको, ठीक है ना। 224 को मैं प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी है, ये 2 1 1 2 फिर 2 ये 5 और 6 फिर 2 और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, ठीक है, फिर 2 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। अब यहां से 2 बार और यहां से भी 2 बार, ठीक है। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं एसी इक्वल टू रूट ऑफ 16 × 14, यानी 224 को क्या लिख सकता हूं 16 × 14, और 16 × 14 को 4√14 लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड। अब यहां से आप देख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड से इस एसी की वैल्यू, यानी एसी की वैल्यू किसके इक्वल है, बीसी प्लस एबी के, यानी एबी प्लस बीसी, ठीक है ना। चेक कर लीजिए आप, रूट 14 प्लस 3√14, तो ये 1√14 है और ये 3√14 है, तो 3 और 1 कितना 4√14, और ये दोनों का सम किसकी इक्वल है, एसी की इक्वल। तो ध्यान से देखो, इस एबी, ये तो ए पॉइंट आपका है और ये बी पॉइंट है,
और ये सी पॉइंट है, यानी ए बी प्लस बी सी किसकी इक्वल है, इस ए सी की इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, ये आप इसके बारे में कह सकते हो। ये आपको प्रूफ करना था, ऐसे आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ठीक है ना, आप पॉइंट भी रिप्रेजेंट करो तो कर दो, 1, -1, 3 और ये 2, -4, 5 और ये 5, -13, 11 ये लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 में आपको गिवन कंडीशन क्या है वो देखिए। 7 में आपको गिवन है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ लोकस पॉइंट, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, यानी आपको एक पॉइंट का लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूं, देखो ये पी ले लेता हूं, ठीक है ना, इस पॉइंट का लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है। और अगले ने ये बोला है कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये पॉइंट एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूं गिवन आपको 1, -2, 3 और एक पॉइंट बी आपको गिवन है, ठीक है ना, इसमें ए और बी नहीं गिवन, मैंने लेट कर लिया। ठीक है, ये बी पॉइंट है आपका -3, -4 और 2। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है। आपको कंडीशन ये गिवन है कि पी ए डिस्टेंस किसकी इक्वल है, पी बी के डिस्टेंस की इक्वल है और आपको पी पॉइंट का लोकस पॉइंट फाइंड आउट करना है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं x, y, z ये लीजिए। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं सबसे पहले इस पीए की वैल्यू फाइंड आउट करूं, ठीक है ना, पीए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान से देखना कि पीए इक्वल टू रूट ऑफ ये एक्स वन की वैल्यू, ये एक्स टू की वैल्यू, ये वाई वन की वैल्यू, ये वाई टू की वैल्यू, ये जेड वन की वैल्यू, ये जेड टू की वैल्यू, तो x-1 का होल स्क्वायर, y-2 है तो ये +2 का होल स्क्वायर, फिर z-3 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। ठीक है, फिर मैं pb को फाइंड आउट करूं तो रूट ऑफ ये डिस्टेंस के लिए फाइंड, ये x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, तो वैल्यू आ गई आपकी x- है तो ये -, +3 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर और z-2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड आ जाएगी। पुट कर दीजिए कि पुट इक्वेशन 2, 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, यानी पीए की वैल्यू और पीबी की वैल्यू मुझे यहां पे पुट करनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ ये पीए की वैल्यू x-1 का होल स्क्वायर, y+2 का होल स्क्वायर और z-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ, इसको मैं पुट करूं तब आपकी वैल्यू आ जाएगी x+3 का होल स्क्वायर, y-4 का होल स्क्वायर और z-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस रूट को हटाने के लिए बोथ साइड में क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, तो इसका रूट हट जाएगा और इसका रूट भी हट जाएगा और इसको आप ओपन कर दीजिए। ओपन करें तो आपकी वैल्यू आएगी, देखिए क्या कि x2, ठीक है ना, +1 का स्क्वायर 1, -2x, इसको मैं ओपन करूं तो y2, +2 का स्क्वायर 4, -4y, ठीक है ना, आप कर सकते हैं इसको ओपन करके, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, यहां पे अप्लाई करें तो वैल्यू आएगी z का स्क्वायर
थ्री का स्क्वायर 9 और माइनस का 6z, ये तो इसका काम हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू आएगी इक्वल टू इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 6x, और इसको ओपन करें तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, और इसको ओपन करें तो जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4z, ये वैल्यू आ जाएगी। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, और देखो 9 से ये प्लस 9 है, इधर भी प्लस 9 है, कैंसिल आउट, और देखो और नहीं हो रहा क्या, 4y 4z नहीं हो रहा। और अब देखो वैल्यू, रिमेनिंग जो वैल्यू है वो लिख देता हूं मैं सबसे पहले। इधर तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2x प्लस देखो 1 4 कितना 5, ये तो 5 हो गया ठीक है, और ये 2x प्लस 4y और ये वैल्यू माइनस का 6z इक्वल टू, यहां से 6x फिर माइनस का 8y और माइनस का 4z और ये 4 और ये 20 ठीक है ना, तो प्लस का 20 ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 6x और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x, और यहां से माइनस 8y ये 4y इधर आएगा तो माइनस 4z, माइनस 4y और ये 4z पहले से और ये इधर आएगा तो प्लस का 6z और प्लस ये 20 और ये 5 भी इधर आएगा तो माइनस 5 इक्वल टू 0 ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूं ये कितना आपका 8x और ये कितना 12y, फिर ये कितना प्लस का 2z और प्लस का ये कितना आपका 15 इक्वल टू 0, ये आपका पॉइंट P का लोकस पॉइंट आ जाएगा ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, 8x माइनस 12y प्लस 2z प्लस 15 इक्वल टू 0, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।